हैं दुर्लभ दोनों हैं थी मंच पर आजे दोनों वस्तु मिली लता जी और मानव कल्चर में सौरभ दोनों वस्तु मिली को मानव कल्चर में सौरभ इसका ऐसी स्वामित्व की विजयताई जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमारी बहनों का भी मार्गदर्शन करें विजयताई जी जोरदार तालियां और अभी इंफेक्शन हुआ था एक साथ मंच पे आ जाए। जय हिंद जय भारत। इस समय हम सिविक सेंटर में हैं और यहाँ पर महिलाओं की नारी शक्ति कैंप भाजपा के साथ एक जिसमें कि हमारे साथ सरोज दीदी रविंद्र गुप्ता जी और श्याम जाजू जी हमारे साथ उपस्थित हैं और इस समय विजय जी अपने विचार हम लोगों के साथ पेश कर रहे हैं। सुनिए माता की जय भारत माँ की जयकारों के साथ आज हमारे दिल्ली के इंटेलेक्चुअल बहनों का यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है इसके लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष से दिशा दी है ऐसी पूर्ण पराशर दी मंच पर उपस्थित महिला हमारे प्रभारी विशाखा सैलानी जी उसी के साथ साथ मंच पर और मेरे सामने बैठी हुई जिन्होंने दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व तो बहुत अच्छे के साथ साथ मेरी अनेक अनेक बहने जिन्होंने हमेशा हमारी दिल्ली को आगे बढ़ाया है दिल्ली प्रदेश की सभी को वंदन करती हूँ प्रणाम करती हूँ ये जो वंदन है ये वंदन हमारी बहनों की जो बौद्धिक क्षमता इंटेलिजेंट कैपेसिटी है और उसी के साथ साथ वो हर क्षेत्र में बराबरी के साथ काम करती है उसको ये वंदन है उसको ये अभिनंदन है मैं प्रदर्शन का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने आज इतनी अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया हमारा आज का ये कार्यक्रम कोई भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं है तो मेरे सामने बैठी हुई सभी बहनें ऐसी है वो हजारों हजारों बहनों को दिशा दे सकती है उन सभी बहनों का एकत्रित करने का ये कार्यक्रम है और जब उस कार्यक्रम में सैकड़ों की हजारों की संख्या में बहनें उपस्थित होती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके से हमारी आवाज उन सभी बहनों तक जरूर जरूर जाएगी आज के लिए प्रभुत्व आर्किटेक्ट बहने हैं सीए बहने हैं डॉक्टर है टीचर है विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली ये सभी बहने हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मायने में अगर देखना है तो हमें अच्छे तरीके क्वेश्चन आंसर करने हैं पूनम जी मुझे कह रही थी कि बहनों को बहुत उत्सुकता है उनके मन में कुछ सवाल है काम करने की पद्धति के बारे में वो जानना चाहती है और वो इसीलिए आपके साथ बात करेगी तो कहा कि जरूर मैं आज प्रश्नोत्तर ही करूंगी पर उससे पहले बस एक मिनट में मुझे मेरी बात कहनी है आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है लेकर हम आगे बढ़ रहे पिछड़ा हो युवा हो महिला हो या किसान हो चल रहे
उसी के साथ साथ सरकार की प्रबली ये पहली सरकार है जिस सरकार की सभी नीतियों का निर्धारण जो किया है वो महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए किया है। हमारी सभी योजनाएं जिसके बारे में अभी बातें करूंगी, पर बस वो सभी योजनाओं के बारे में इतना ही कहूंगी कि वो महिलाओं को केंद्र स्थान में रखते हुए बनाई गई है। अब महिला आपको पता है जब महिला केंद्र स्थान में होती है तो उसका उपयोग पूरे परिवार को होता है और जब परिवार आगे चलता है तो समाज पूरा आगे चलता है। एक ये पहली बात है और दूसरी बात है ये पहली सरकार है कि जो विमेन लेड गवर्नमेंट के रूप में सामने आई है। देखिए महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाली उस दिशा में बढ़ने वाली ये पहली सरकार है जिसको आप जरूर नोट करिए। आप देखिए ना केंद्र में अनेक अनेक महिला मंत्री बहुत अच्छे पोजीशन पे काम कर रही है और देश को दिशा दे रही है। कभी वो परराष्ट्र मंत्री के रूप में आती है, कभी वो रक्षा मंत्री के रूप में आती है, या कभी वो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आती है। जब महिला बाल विकास की बात होती है तो बहुत गंभीरता के साथ उस विषय को सदन में वो चलाती है और उसी के साथ साथ देश में अनेक अनेक महिला राज्यपाल अनेक सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक और उसी के साथ साथ इसलिए मैं कहती हूँ नेतृत्व में चलने वाली उस दिशा में बढ़ने वाली ये सरकार है जिस सरकार में महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया का तो हिस्सा बनाया गया है। निर्णय कर ले इसीलिए बहुत कोशिश भी होती है और वो कोशिश है चलाना अनेक अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना ये वो कोशिश है। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ मेरे सभी प्रभुत्व बहनों का कि आप देखिए राजनीति में महिलाएं अच्छा काम कर रही है, सरकार में अच्छा काम कर रही है, जहां जहां उनको स्थान मिला है राजनीति में वो वहां तो काम कर ही रही है। पर बात सिर्फ राजनीति की नहीं है तो बात है हमारा समग्र देश महिलाओं को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि इस देश में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, माननीय मोदी जी ने दिया है। और इसलिए कि चाहे चंद्रयान हो इसरो की मुहिम हो उसमें कौन लीड कर रहा है, महिला लीड कर रही है। हमारे जो लड़ाकू जो विमान है उसको कौन चला रही है, महिलाएं चला रही है। और आज हम ये भी देखते हैं कि युद्ध में जो मारे गए हमारे वीर शहीद है उनकी पत्नियां भी आज सेवा में आके देश की सेवा कर रही है। वो खाली नहीं है, वो घर पे नहीं बैठी है, वो लड़ रही है और इस देश पुरुषों के साथ मैं चल रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। हमारे ये बहुत सही कहा है कि वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। वो शक्ति है, वो सशक्त है, वो भारत की नारी है। ना कम में ना ज्यादा में वो सब में बराबरी की अधिकारी है, वो सब में बराबरी की अधिकारी है। और ये सभी अधिकार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है, काम कर रही है। और मुझे लगता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है इसके बारे में जब हमारी प्रभुत्व बहन समझ कर लेती है, जान कर लेती है तो स्वाभाविक रूप में देश की हर बहन तक वो आवाज चली जाती है। मेरी बहनों मुझे आप
हमारी भी आवाज है वो आवाज सबकी तरफ जाए और आनी चाहिए और उस तरीके से हमारा प्रवास भी होना चाहिए। इसलिए आखिर में मैं इतना ही कहूंगी कि अब हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, तो मैं इतना ही कहूंगी आपको कि ये परिंदे, ए परिंदे, तू जमीन पर बैठकर क्यों कर रहा है। मेरी सभी बहनें ऐसी हैं, आपकी सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ए परिंदे, अपने पंखों को खोल, अपने पंखों को खोल, क्योंकि सिर्फ उड़ान देखना चाहता है, समारा सिर्फ उड़ान देखना चाहता है। लहरों की तो फितरत होती है, लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाने, लेकिन मंजिल उन्हीं को है जो अपने नजरों को सकते हैं, जो अपने नजरों से तूफान देख सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आने वाले दिल्ली का चुनाव एक तरह से तूफान की तरफ से आ रहा है। इस तूफान को हमें अच्छे तरीके से टैकल करना है और फिर से जो सरकार आज हमें सबको मौका दे रही है तो आगे बढ़ा रही है, सशक्त कर रही है, उनकी तरफ हमें देखना है। मुझे पता है कि सरकार ने भी क्या क्या चीजें करी है, ये आपको जानना है। बहनों, आज आप यहाँ पे आई, एक भूमिका ले ली, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी उसकी कदर करती है। पूनम जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपके पूरे टीम का, कि आपने प्रयास किए। आप संख्या में मत जाइए, मैंने कहा कि ये बहन हमारी 1,000 लोगों के बराबर से है और ये भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं है, और उसने आपने पूरा उसको एक अच्छा अंजाम दिया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी सभी बहनों को प्रश्नों के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। क्या हम बैठे गए तो चलेगा या ऐसे ही करेगा आपके लिए? ठीक है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर जी से, जिनके मन में उत्सुकता है, वो अपने अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। जी, अपना सारी का फ्रॉम चांदनी फ्लॉर महिला मोर्चा, मैं और डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। सारिका जी ने जो सवाल पूछा है वो सिर्फ इनके मन का सवाल नहीं है, तो हमारे सभी के मन का मन में आने वाला है सवाल है। कल से देश की हर महिला, मैं तो कहूंगी सिर्फ महिला नहीं, पुरुष भी इस बात से बहुत परेशान है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष रह चुका है और लोग उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो आने वाला कभी पीएम होगा, इस तरह से उनके बारे में बात कही जाती है। इतना जिम्मेदार व्यक्ति जब इस तरह से बात करता है तो हमें लगता है कि हम किसके पास जाएं। जो जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से बात करता है, ये बात बहुत ही निंदनीय है। हमारे सबके मन में बहुत पीड़ा है कि इस तरह से बात करते हुए आप इस देश की महिलाओं को क्या समझते हैं। जब एक तरफ देश महिलाओं को लेकर बहुत अच्छे तरीके से,
के अच्छे मौके मिल रहे हैं और वो भी उस मौके वो अच्छे तरीके से लेकर आगे बढ़ रही है और सभी मायने में एक वैल्यू की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। तो आप इस तरह से बात करते हो, इस देश का इतिहास कभी भी महिलाओं को नीचा दिखाने वाला कभी भी नहीं रहा है। इस देश ने हमेशा हमेशा के लिए महिलाओं का सम्मान ही किया है, जो पुरातन काल में भी था, मध्ययुग में भी था और आज भी है। ये बात जरूर है कि कहीं कहीं कुछ विकृतियां आती है और महिलाओं को तकलीफ देती है, पर ये पीड़ा पूरे समाज की है। मुझे आश्चर्य लगता है उनका कि उन्होंने ये जो हमारे समाज को जो पीड़ा लगी है, जो कीड़ लगी है, जो थेरापी है, ये दुरुस्त करने के बजाय इस तरह का वो स्टेटमेंट देते हैं जिसके लिए हम सिर्फ निषेध नहीं करेंगे, तो जिसके लिए हम उनको पूछेंगे कि आपने ये क्यों बोला। ये बोलना बहुत ही गलत है, इस देश की महिलाओं का अपना अपमान करने वाला, ये सिर्फ अपमान में घोर अपमान करने वाले ऐसे शब्द है। मुझे लगता है बहनों, जब हमें कोई पीड़ा देता है, हमें कोई तकलीफ दे रहा है, और सिर्फ तकलीफ नहीं है, ये तो महिलाओं का और पूरे देश का अपमान है। जो महिलाओं का अपमान करता है उसकी सजा क्या होती है, ये आप ही तो अच्छी तरह से जानते हो जी। ये सजा देना, महिलाओं के बारे में इस तरह से बात करना, ये बहुत गलत है और इसकी सजा देना आपके हाथ में है। इस बात को हम कभी सह नहीं करेंगे, इस बात का हम विरोध भी करेंगे। ये विरोध करना अनेक अनेक तरीके से हमें आना चाहिए। हमने मुझसे बात करी कि आपने गलत बोला है, हम आपकी चिंता करते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छा अधिकार है, जो अधिकार है वोटिंग का। जो पार्टी, जो लोग, जो नेता इस तरह से महिलाओं के बारे में बात करते हैं, उस विषय में हमें सबको एकत्रित आना चाहिए और उनको एक सबक सिखाना चाहिए। जो सबक मेरा आग्रह है कि अभी आपने अपने हाथ में लेते हुए आने वाले चुनाव में वो सिखाना है। महिला सशक्तिकरण की बातें होती है, लेकिन हमें 30% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में और विधानसभा में कब मिलेगा। और दूसरा प्रश्न मेरा कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे घर में पिछले साल मेरी बेट की 8 साल की बच्ची का रेप हुआ, उसको FIR की कॉपी भी नहीं दे रहे थे। मैं गई, मैं लड़ी, मैं फोन करती हूँ, मैं जुझारू महिला हूँ, लेकिन स्पष्ट वादी और ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। हमारी आवाज को दबाने की सबको आगे जाने दीजिए, उनकी काबिलियत देखिए, क्योंकि हम लोग एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है और कांग्रेस परिवार के मुद्दे के मैं मोदी जी के साथ खड़ी हूँ, रोज हर ग्रुप में लड़ाई करती हूँ। अगर कोई मेरा फेसबुक देखता होगा, वो बेचारी लड़की हमको फोन करके कह रही है दीदी तारीख दे रहे हैं और कभी फैसला आज तक नहीं हुआ है। उसको एक्ट का मतलब क्या है, जब मैं 6-7 साल तक उसके साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, तो हमें बहुत कुछ बदलना है और आवाज को उठानी है। दबे आवाज से काम नहीं होगा, सुननी पड़ेगी हमारी आवाज, सुननी पड़ेगी मां दोला की आवाज। डिसिप्लिन के नाम पर मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद। मैंने जो बात कही है उस बात की पीड़ा मैं जरूर समझ सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। आपके दोनों सवालों का उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। हम सभी राजनीति में काम करने वाले महिला हैं, हम दिन रात काम करते हैं और हमने एक जनसेवा का अच्छा माध्यम चुना है। इस माध्यम से हम आगे बढ़े, हमें भी अच्छे तरीके से मौके मिले और हम जनता का सेवा कर पाए। और तभी बात आती है 33% की। बहनों, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहती हूँ, सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये एकमात्र पार्टी है जो पार्टी महिला आरक्षण का बिल चाहती है
आप अपने फोन में डायल करिए। और इस विषय पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले।